देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। प्रदेश के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पारेश्वर ने फर्जी वोटर पर चर्चा करते हुए कहा कि ये कांग्रेस के लिए बुरी खबर है और ये भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस को आदत पड़ गई है। 1975 से संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कैसे कैसे किया जा सकता है, ये बहुत बड़ा दुख का विषय है कि जिस पर सारी दुनिया विश्वास करती है, भारत की न्याय व्यवस्था पर, भारत की अन्य असंवैधानिक चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर, जिस पर चुनाव कैसे निष्पक्ष हो सकते हैं। वहीं मापदंड तय किया है कि इन संस्थाओं पर बार बार कटघरे में कांग्रेस खड़ा करती है। कांग्रेस की समस्या ये है कि जनता ने उन्हें नकार दिया है। ये कांग्रेस के लिए बुरी खबर है और भारतीय जनता पार्टी पर जो अनर्गल आरोप वो लगा रहे थे, ये कांग्रेस को एक आदत पड़ गई 1975 से कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कैसे कैसे किया जा सकता है। ये बड़े दुख का विषय है कि जिन संस्थाओं पर सारी दुनिया विश्वास करती है, भारत की न्याय व्यवस्था पर, भारत की संवैधानिक अन्य चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर, जिन्होंने चुनाव निष्पक्ष कैसे हो सकते हैं उसके मापदंड तय किए हैं, उन संस्थाओं को कटघरे में बार बार कांग्रेस खड़ा करती है। कांग्रेस की समस्या यह है कि जनता ने उनको नकार दिया, कोई काम छोड़ा नहीं उनके पास करने के लिए, तो अब वो इस प्रकार से चर्चा में रहने के लिए सब कुछ करती है, लेकिन इन मर्यादाओं का अगर वो इस प्रकार से हार्स करेगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को धीरे धीरे देश की जनता दरकिनार पूरी तरह कर देगी। खबर समय जगत के लिए भोपाल से आकाश तिवारी की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।